हेलो फ्रेंड्स, किरण सेकंड टेस्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो के नीचे दिए रेड बटन सब्सक्राइब को दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी। आइए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं सावा के चावल की पूरी। जो व्रत में खाए जाते हैं सावा के चावल, उसकी हम पूरी बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत आसानी से बन जाती है। इसके लिए मैंने लिया है चावल का आटा 150 ग्राम और 2 बड़े चम्मच ऑयल के। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे, सेंधा नमक। चावल में ऑयल, जो हमने वेजिटेबल ऑयल लिया है, उसको डालकर इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर, गुनगुना पानी मिलाकर इसको सॉफ्ट आटा इसका तैयार कर लेंगे। जो चावल होता है फ्रेंड्स, इसकी जो हम पूरी या रोटी कुछ भी बनाते हैं, ये तो टूटता है थोड़ा सा, तो इसको बनाने में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। केयरफुली इसको थोड़ा सा बनाएं आप, और बेलन की, अगर आप बेलन से बनाना चाहते हैं तो भी बहुत सॉफ्ट हाथ से आपको बेलन चलाना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसको हाथ से किसी भी पॉलीथीन के ऊपर, एक कोई घर में पॉलीथीन की थैली हो उसको लेकर आप उसके ऊपर रखकर इसको बनाएं, हाथ से हल्के हल्के हाथ से दबाते हुए। आटे को सॉफ्ट गूंद कर हम 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, सेट हो जाए। 15 मिनट के बाद हमारा आटा जो है काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। इसको हम छोटी छोटी लोई बना लेते हैं, क्योंकि चावल के आटे की पूरी को आप ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते हैं। उसको अगर ज़्यादा बेलने की कोशिश करें या फैलाने की कोशिश करें तो आटा जो है टूटने लगता है, तो इसको छोटी ही साइज में बनाएंगे तो लोई भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे। आप इसको हाथ से दबाते हुए इस तरह से दबाकर थोड़ी लोई बनाएं ताकि आटा जो है जुड़ जाए। इस आटे में थोड़ी चिकनाहट कम होती है, ग्लूटन नहीं इसके अंदर होता है, तो ये जुड़ता कम है, अलग अलग सा रहता है, टूटने लगता है जल्दी से। आप देखिए, मैंने पॉलीथीन की एक थैली ले ली है और इसके बीच में आप इस तरह से लोई को रखेंगे और हल्का सा हाथ से, हथेली से या उंगलियों से इसको दबाते हुए हल्का हल्का आपने इसको फैलाना है, और एकदम गर्म घी में आप इसको तलेंगे। इसके लिए आप पूरी बनाने के लिए गर्म घी लें, बिल्कुल तेज़ गर्म, फुल फ्लेम पर आप रखें, और बाद में थोड़ा सा इसको फ्लेम को आप कम कर सकते हैं। ये पूरियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, थोड़ी क्रिस्पी होती हैं, तो आप इसको कोई भी आलू की सब्जी जो व्रत में बनाते हैं, तरीदार सब्जी हो उसके साथ, दही के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं। पूरी को बनाते समय एक चीज़ का और ध्यान रखें कि पूरी इसकी पतली नहीं बनानी है, थोड़ा सा इसको मोटा रखेंगे हम ताकि ये सॉफ्ट रहे। अगर आप इसको पतला बनाएंगे तो ये बिल्कुल पतली, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी, जो खाने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। हल्का सा इसको थिक रखना है, जैसे हम आटे की पूरी बनाते हैं उससे थोड़ा मोटा रखना है। देखिए, इस तरह से पॉलीथीन के बीच में आप इसको, लोई को रखेंगे और ऊपर से पॉलीथीन का को फोल्ड करके हल्का सा हाथ से आप दबाते हुए इसको बना लें। हथेली से या उंगलियों से भी आप इसको हल्का हल्का से घुमाकर बना सकते हैं, इस तरह से हाथ से उंगली से फैला सकते हैं। बनाने में थोड़ी सी इसको मुश्किल हो सकती है, कई बार बना कर उठाते हुए जब हम इसको उठाकर कढ़ाई में डालते हैं तब भी ये टूट जाती है, थोड़ा आपको इसको इसमें सावधानी रखनी पड़ती है। देखिए, इस तरह से हाथ से बस आप इजीली इसको बना सकते हैं। बेलन से बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं आप, लेकिन बेलन से थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती है बेलने में, बल्कि हाथ से थोड़ा इजी बनती है, तो हाथ से ही बनाएं। सेम इसी तरीके से आप सारी पूरियाँ, जितना भी हमने ली हैं, आटा लिया है, उसकी हम पूरी बनाकर रखें। कुछ लोग इसको चावल को पहले से भिगोकर ग्राइंड करके और फिर उस आटे को उसको थोड़ा सा भूनकर ताकि उसका पानी सूख जाए, उस तरीके से भी बनाते हैं। मैंने डायरेक्ट इसको चावल का आटा लेकर उससे बनाई है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा करना पड़ता है, इसमें थोड़ा कम है, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। भीगे हुए चावलों को पीस कर भी आप आटा तैयार कर सकते हैं और इस तरह से डायरेक्ट पीसे हुए आटे से भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप व्रत अभी चल रहे हैं आपके, तो आप एक बार ये पूरी बनाकर खाइए, टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। आप इससे परांठा भी बना सकते हैं, इसमें चाहें तो आप आलू भी डालकर बना सकते हैं। आलू मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसको बनाएं। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारी सावा के चावल की बनी हुई पूरियाँ, बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी होती है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो बनाइए और एक बार खाकर देखिए, कमेंट कीजिए कैसी बनी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़।